Hello friends, how are you all? I hope you all are enjoying now Act 2 PC. So in that we have already completed all the affirmative formation of Act 2 PC. Present group, past group, future group. In past group and present group we have 3 plus 3, 6, and in future group we have 2. So total 8 formation we have learned affirmative. इसके भी इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस हैं, वो सारे भी करेंगे. बट बिफोर दैट आई थॉट ऑफ गिविंग यू नॉर्मल एक्सरसाइज, तो वो अभी मैं करने जा रहा हूँ. पर आई विल गिव यू जस्ट टू सी, आप खुद मन में सोचो 30 सेकेंड के लिए क्या ये आप लोग कर पाओगे. आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली. टिप्स क्या है इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से टेंस का है. द मोमेंट यू आइडेंटिफाई कि कौन सा टेंस का है, जस्ट थिंक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब. इतना ही सोचना है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो ये होना ही होना है. जस्ट थिंक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फॉर्म तो थर्ड ही होना है. इफ़ यू रिमेंबर दिस देन यू कैन वेरी वेल चेंज. सो लेट अस सी नाउ. आई गिव यू चांस टू सी हियर, जस्ट कीप वॉचिंग फॉर 30 सेकेंड. जस्ट गो थ्रू एंड थिंक कि कौन से टेंसेस का होगा. पहले वाले का स्पेशली सोचो कि कौन से टेंस का होगा, फिर मैं क्या बोलने वाला हूँ, दैट यू जस्ट लिसन. तो पहले वाले का आप लोगों ने क्या सोचा है वो आप लोगों ने सोच लिया होगा. कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लोग सोच लेते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का है. बिल्कुल भी नहीं है प्रेजेंट सिंपल का, दिस इज ऑफ पास्ट सिंपल. ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. ये एग्जाम में बहुत आता है. अभी आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ही के साथ देखो मैंने यहाँ पे वर्ब लिया है, उसमें एस या एस वाला आना ही है जो आपको लगाने के लिए. वैसे सी के साथ में भी अगर प्रेजेंट सिंपल का होता तो क्या लगता है यहाँ पर? एस लगता है नहीं. जब ये नहीं है देन इट बिकम्स पास्ट सिंपल. तो जो भी वर्ब जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस वर्ब. ओके, तो वो उन वर्ब्स की अगर पेशी बनाने के लिए आते हैं तो बी केयरफुल, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए पहला मैंने यही लिया है. सो दिस बिकम्स पास्ट सिंपल. तो अब पास्ट सिंपल का रूल लगा देना है. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ गया वेजिटेबल्स, उसके बाद में प्लूरल केस, इसलिए क्या आ गया वर्ब. थर्ड फॉर्म आपका कट का कट ही रहेगा, बाई, और सी इधर आ गया तो क्या हो गया हर. सो आंसर आपका तैयार हो गया, वेजिटेबल्स वर कट बाई हर. नाउ नेक्स्ट, ही मेक्स चेयर्स. बहुत ही क्लियर दिख रहा है प्रेजेंट सिंपल का है. प्रेजेंट सिंपल दिमाग में आ गया, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या याद रखना है, इज, एम, आर, और थर्ड फॉर्म तो आपका है ही. चेयर्स को यहाँ लेके आ जाएंगे. अब जो नया सब्जेक्ट बन के आ रहा है, दैट वी हैव टू सी कि सिंगुलर है, प्लूरल है, या कौन सा प्रोनाउन बन के आ रहा है ऑब्जेक्ट से, उसके अकॉर्डिंगली नया जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लेना है. तो प्लूरल केस है तो आर आ गया. मेक ही वर्ब क्यों लिया है? मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, सेकंड फॉर्म भी मेड होता है. कई लोगों की आदत होती है कि हमेशा डी लगा देते हैं, मेक, मेक्ड, नो दैट्स रॉन्ग. तो इसलिए ये सारे वर्ब ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, इसी वर्ब का मैंने यहाँ पे लिया है. सो चेयर्स आर मेड, और यहाँ पे क्या आ गया, बाई, और ही इधर आ जाएगा, हिम हो गया ये भी. अब ये है राम विल सॉल्व इट. फ्यूचर सिंपल का है, बहुत ही सिंपली दिखाई दे रहा है आपको. ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है. जैसे ही दिमाग में आ गया कि फ्यूचर सिंपल का है, आपको क्या यूज़ करना है, विल बी, शैल बी, थर्ड फॉर्म, मतलब बी जोड़ना और थर्ड फॉर्म लेनी है. बाकी प्रोसेस वही है. तो इट इधर आ जाएगा, इट विल, बी जुड़ गया, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्व. सो इट विल बी सॉल्व बाई राम. फिर बाद में लास्ट में सबकी हिंदी भी बता दूंगा मैं, थोड़ा और बेटर इंप्रूवमेंट हो जाएगा. देन यू कैन थिंक एंड स्पीक आल्सो. दैट्स व्हाट द मोटिव इज, दैट इट्स नॉट दैट ओनली यू लर्न फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट दैट. यू लर्न लाइक लैंग्वेज एंड यू बी परफेक्ट. सो व्हाट विल बी एडवांटेज, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा, यू कैन से कैपेसिटी एंड एबिलिटी बोथ टू अचीव ए गुड जॉब. सो इन दैट वे ओनली आई एम टेलिंग यू. ओके, सीता इज मेकिंग ए नॉइस. पता लग रहा है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. जैसे आपको पता लग जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें पूरा है ये ए नॉइस. फिर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, इज आर एम तो है ही,
उसके साथ क्या जोड़ना है, बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म. सो एनॉय सिंगुलर केस हो गया, इज बीइंग, बी ई आई एन जी, बी ई आई एन जी, बीइंग. मेक का अगेन थर्ड फॉर्म आ जाएगा, मेड बाय सीता. ओके, ये भी हो गया. अब मैंने ये दोनों साइड में आपके क्या लिया हुआ है, प्रोनाउन लिया, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए. और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, तो आपको क्या करना है, बीन जोड़ना है, और थर्ड फॉर्म तो पहले से ही होता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी इन फैक्ट. बट फिर भी गलत करके आ जाते हैं. नाउ हियर अस विल कम एज ए ही, दिस साइड वी, ये यहाँ से इधर आ गया, वी आ गया. ओके, अब यहाँ पर हैव तो वैसे रहेगा वी के लिए भी, इसमें क्या जुड़ रहा है, बीन. थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, इन्फॉर्म्ड, वो वैसे ही वैसी रहेगी. अब एग्जाम में कई बार बाई देम अगर मल्टीपल है तो उत्तर में नहीं होगा ये, और अगर आप वैसे लिख रहे हो, लिख दिया तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, बट इट इज नॉट टू बी रिटन. ग्रामर सजेस्ट दैट दीज आर अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विच बिकम्स ऑब्जेक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है. जैसे पीपल है, दे है, वी है, उसको ऑब्जेक्ट में लेके जाते ही नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही मास के लिए एड्रेस कर रहा होता है. फिर भी अगर आपको लेके जाना है तो ये दे यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई देम. समझ में आ गया होगा. ये इसलिए बताया क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बुक्स से पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार देखते हैं तो इधर कुछ है ही नहीं, तो बस इसीलिए. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी वर क्लीनिंग द रूम, पता लग गया आपको पास्ट कंटिन्यूअस का है, द रूम इधर आ गया. अब यहाँ पे केस क्या हो गया, सिंगुलर का हो गया, यहाँ तो वी के साथ वर्ब था, द रूम वॉज, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, बीइंग जुड़ गया, क्लीन थर्ड फॉर्म, क्लीन बाई. अब यहाँ पे अस लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है बाई अस सिखाने के लिए, क्योंकि ये दोनों अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसा लिया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और एक बार अगर मैं क्विकली बोल दूँ हिंदी तो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए, थोड़ा समझ. सी कट वेजिटेबल्स, उसने सब्जियों को काट दिया, सब्जियां काटी गई उसके द्वारा. वह कुर्सी बनाता है, कुर्सी बनाई जाती है उसके द्वारा. राम इसे हल कर देगा, यह हल कर दिया जाएगा राम के द्वारा. सीता शोर मचा रही है, शोर मचाए जा रहा है सीता के द्वारा. उन्होंने हमें सूचित कर दिया है, हमने सूचना ले ली है, हमें सूचना मिल गई है, या हमें सूचित कर दिया गया है, ऐसे हिंदी आप बोल सकते हो. उनके द्वारा जरूरत ही नहीं, मास में है. एंड वी वर क्लीनिंग द रूम, हम कमरे को साफ कर रहे थे, तो कमरे की सफाई की जा रही थी हमारे द्वारा, बायस. ये दोनों मैंने जो बोला है अनइम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके आंसर्स में नहीं होते. सो विद दैट वी कंक्लूड दिस. आई होप यू माइट हैव एन्जॉयड नाउ व्हाट आई से, एन्जॉयमेंट इज रिक्वायर्ड. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड यूटिलाइज योर लॉकडाउन पीरियड टाइम, एंड देन वी मीट, देन वील क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू फॉर द डे.